शर्मा जी कोर्ट में मोनू मानेसर को पेश किया गया, आप किसकी तरफ से? मैं मोनू मानेसर की तरफ से, हम तीन अधिवक्ता पेश हुए हैं। क्या हुआ कोर्ट में? और आज उसको पेश किया गया, और जिसमें जो 153 295 और 2554 आरम्स एक्ट में उसको पेश किया गया, जिसमें जो है 2554 आरम्स एक्ट नॉन अवेलेबल थी, बाकी सभी ऑफेंस अवेलेबल थे, इसलिए उसको जैसी 26/9 के लिए भेज दिया गया। राजस्थान पुलिस अभी अपनी डॉक्यूमेंट सबमिट कर रही है, अभी वो सबमिट नहीं करें, करने के बाद फिर बताएंगे कि उसको राजस्थान पुलिस के हवाले किया जाएगा नहीं किया जाएगा। शर्मा जी, किस मामले में, ये कौन से, क्या जो 31 को जो हिंसा हुई थी उससे जुड़े FIR में अरेस्ट किया गया या फिर कोई दूसरा मामला है? नहीं, उसी हिंसा के संबंध में जो है इसको अरेस्ट किया गया है। मुकदमा नंबर 35 अलग से दर्ज किया गया है। कब? 37। ये 37 कब दर्ज किया गया था? ये आज की डेट में जो है दर्ज किया गया है, लगभग जो है 1.5 महीने बाद ऑकरेंस के बाद पुलिस मुकदमा दर्ज कर रही है, जबकि इसकी जो बाइट आई थी वो इस टाइप की कोई बाइट नहीं थी कि जिसमें कोई धार्मिक भावना को कोई ठेस पहुंचाए, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन लोग पुलिस राजनीति के षड्यंत्र में जो है इसको अरेस्ट आज इसको पेश किया गया, जिसमें जो है 26/9 के लिए जेसी भेज दिया गया है, 26/9/2023 को जो इसको पेश किया जाएगा, और उसके बाद जो अगली कार्रवाई होगी उसके हिसाब से करेंगे। इसकी बेल जो हमने आज नहीं लगाई है, नेक्स्ट डेट इसकी बेल लगी, बहुत सी जेल नहीं।